थे भरतपुर से। अब खबर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोली के नेतृत्व में कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रवि कटारा, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, कहां तक पहुंचे हैं ये समर्थक और कार्यकर्ता और रंजीता कोली? देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिल्कुल कमालपुरा बॉर्डर पर। ये दौसा और भरतपुर का बॉर्डर माना जाता है। आप देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है वो इस रोड पर खड़ा हुआ है, और सिर्फ नरेंद्र मोदी की जो एक झलक पाने के लिए जो कार्यकर्ता है वो ललायत भी है और जाते हुए निगाह दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरामैन से कहूंगा कि जो सांसद हैं रंजीता कोली, उनसे भी बात करेंगे। बड़ी संख्या में वो कार्यकर्ताओं को लेकर कमालपुरा बॉर्डर पहुंची, थोड़ी देर में यहाँ से दौसा के लिए रवाना होंगी। मैडम, जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है कार्यकर्ताओं के पे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि कार्यकर्ता हर्ष और उल्लास से भरे हुए हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आ रहे और राजस्थान में आकर के जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए, राजस्थान के लिए बहुत खुशी का विषय है कि एक्सप्रेस वे का जो उन्होंने आज उद्घाटन कर रहे हैं उसके लिए पूरी जनता, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं उनका उद्बोधन सुनने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। अभी हम आ रहे थे, देख रहे थे करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं बसों की, वाहनों की। जिस तरीके से मैं कहना चाहती हूं कि 600 गाड़ियां मेरे साथ हैं और लगभग अन्य वाहन, उनमें 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मेरे साथ जा रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भरतपुर की पूरी जनता जाकर के स्वागत करेगी। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैं देखती हूं कि एक्सप्रेस वे से पूरे राजस्थान को एक सौगात मिली है और दिल्ली और मुंबई के लिए जाने वालों के लिए जो टाइम बचेगा उस टाइम में वो लोग अपना कुछ भी कार्य के लिए उपयोग, उस समय का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी कार्य के लिए उनका बिजनेस अच्छे से चलेगा। मेरे भरतपुर में से ही देख लिए कि यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी हैं, वो भी बहुत जल्दी पहुंच करके अपना वहाँ पर मैडम व्यापार कर सकते हैं। चुनावी मोड़ पे आ चुका है, 7 विधानसभा थी भरतपुर की, 19 संभाग की थी, सिर्फ एक विधानसभा में धौलपुर में बीजेपी का कमल खिला था। क्या माने अब, यानी कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या इसमें? सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने जनता के बीच में आकर के झूठ बोलने का काम किया था, उन किसान भाइयों को झूठ बोलने का काम किया था, और उस झूठ के बरगल आने में जनता ने जिस तरीके से राजस्थान सरकार पर वो विश्वास रख करके उनको जिताने का काम किया, लेकिन आज जनता त्रस्त है। और आप देखिए कि एक 10,000 की संख्या में और इससे ज्यादा लगभग वहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने जा रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता वहां पर जा रही है। तो आप आकलन लगा लीजिए कि जनता किस तरीके से यहां पर राजस्थान में त्रस्त है। इसलिए कोई डाउट नहीं है किसी को, क्योंकि यहां पर बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है, और जिस तरीके से जनता सड़क पर खड़ी है राजस्थान में कांग्रेस सरकार को जवाब देने के लिए। मैडम, भरतपुर के आप सांसद हैं, भरतपुर की बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक।